हाई स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि आप में से कई बच्चों ने हमारी वीडियोस देखी और वो पॉपुलर हो रही हैं धीरे धीरे, बच्चों का क्रेज बन रहा है. यू हैव पुट ऑन योर क्वेरीज एंड वी हैव बीन एबल टू सॉल्व टू गिव सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन. आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने एडीएम एएस के चैप्टर के साथ, उनके कॉम्पोनेंट्स के साथ, और आज हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स. एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स. तो पहले देखते हैं कि एएस क्या है. एएस है बेटा हमारा एग्रीगेट सप्लाई. अब ये एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई, इसका मीनिंग देखेंगे कि ये क्या कहता है. एग्रीगेट सप्लाई है जी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सप्लाई, विच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सप्लाई. और एग्रीगेट डिमांड जैसी दो बातें सेम है, क्या? इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी, इन एन अकाउंटिंग पीरियड. तो हमारे पास यहां पे बेटा कैच फ्रेजेस क्या है? हमारे पास कैच फ्रेजेस आए टोटल वैल्यू किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो सभी प्रोड्यूसर्स सप्लाई करने को रेडी हैं एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई. क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई. अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. आप सबको याद होगा कि हमने एडी के कंपोनेंट्स पढ़े थे सी प्लस आई. अब हम पढ़ेंगे एएस के कंपोनेंट्स. एएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा हमारे पास? एएस के कंपोनेंट्स होते हैं सी प्लस एस. इसका मतलब सी जो है वो है हमारा कंजम्पशन और एस जो है वो है हमारी सेविंग्स. तो इसका मतलब ये क्या है? इंजेक्शन हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में और ये है हमारा लीकेज. अब ये क्या कहता है? हम कहते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज इक्वल टू इनकम. और हम ये कह सकते हैं इनकम या तो कंज्यूम होती है या वो सेव होती है. इनकम या तो कंज्यूम होती है या वो सेव होती है. अब हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात है. एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है जो वो सब रेडी है सप्लाई करने के लिए, तो वो जो भी उससे रेवेन्यू आएगा वो चार फॉर्म्स में जाएगा, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस या प्रॉफिट. रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस या प्रॉफिट, इसका मतलब फैक्टर इनकम की फॉर्म लेगा वो. तो जब वो फैक्टर इनकम की फॉर्म लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम. या इसको बोलेंगे नेशनल इनकम. क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम. जब हम नेशनल इनकम का टॉपिक करेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि तीन डेफिनेशंस क्या है हमारी नेशनल इनकम की. उसमें से एक है सम फैक्टर ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट्स, सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट्स इन एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम. तो हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, क्योंकि इनकम या तो कंज्यूम होती है या इनकम सेव होती है. आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे जिस तरीके से हमने कंजम्पशन फंक्शन की एक लीनियर इक्वेशन के लिए सी बार प्लस बी वाई, हमने ये भी पढ़ा था सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई, उसी तरीके से सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि इनकम में से ही कंजम्पशन और सेविंग निकलेगी. अब हम डिराइव करेंगे सेविंग की इक्वेशन को. हम पहले देखते हैं कि सेविंग की इक्वेशन क्या है, फिर हम इसको डेरिवेशन देखेंगे. हमारे पास सेविंग की लीनियर इक्वेशन है माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी इंटू वाई. मैं रिपीट कर रहा हूं, सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी इंटू वाई या इंटू इनकम. तो क्या कह रहे हैं देखो जी, अब हम करते हैं डेरिवेशन. डिराइव एस फ्रॉम सी, हम सेविंग्स निकालेंगे सी की लीनियर इक्वेशन से या फंक्शन से. अब वो क्या कहता है देखो जी, हम लिखते हैं बेटा इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस. इनकम या कंज्यूम होगी या सेव होगी. अब हमें डिराइव क्या करना है? हमें डिराइव करना है सेविंग. तो हम एस को लिख सकते हैं वाई माइनस सी. क्या लिखेंगे? वाई माइनस सी. एस इधर चला गया, एस इधर रहा और वाई जा, वाई से यहां पे सी माइनस हो गया. तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. अब ये क्या कहता है? ये कहता है जी कि सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू हम जानते हैं यहां पर. सी की वैल्यू है सी बार प्लस बी वाई. क्या है जी? सी बार प्लस बी वाई.
अब सी बार प्लस बी वाई क्या कहता है? ये कहता है जी हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ सी, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ सी। तो जब वैल्यू ऑफ सी हमने सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई। ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि हमने इसको सी को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये सारी वैल्यूज अंदर रहेंगी। नाउ विल ओपन द ब्रैकेट, सो ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट वी गेट एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई, माइनस सी बार माइनस बी वाई। अब मैं वाई और माइनस सी बार को क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं इनकी पोजीशंस, तो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने माइनस सी बार और वाई की प्लेस इंटरचेंज कर दी, तो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां लूंगा वाई कॉमन, तो मेरे पास आएगा एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। ये वाई बाहर आ गया ना, तो वन बचा माइनस बी वाई। क्लियर है जी? तो ये आ गई हमारी सेविंग की इक्वेशन, ये देखो जी। क्लियर है जी? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये बात समझ आ गई। ये है हमारी इसकी इक्वेशन। अब ये वन माइनस बी क्या है, इसको स्टडी करेंगे बाद में, पहले हम क्या करेंगे, अब एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल और कर्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? एग्रीगेट सप्लाई का स्केड्यूल और कर्व, फिर हम इस इक्वेशन को आगे डीप डेप्थ में स्टडी करेंगे। अब सी बार और वाई कंपोनेंट हम ऑलरेडी सी के अंदर स्टडी कर चुके हैं, आज हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे इसमें सॉरी कि वन माइनस बी का क्या होगा। तो हम बनाएंगे अब ए एस शेड्यूल एंड ए एस कर्व और देखेंगे ये क्या कहता है। देखेंगे ए एस शेड्यूल क्या है, हमारे पास हम वही कंपोनेंट्स ले रहे हैं, इनकम इन रुपीस करोड़, कंजम्पशन इन रुपीस करोड़। ये वही टेबल है जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, और मैंने आपको बताया था ये टेबल आप अच्छे से लर्न कर लें, इससे ऑलमोस्ट सारे, इसी टेबल को हम ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में यूज करेंगे अपने क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। 0, 100, 200, 300, 400 कंजम्पशन है हमारी 40, 120, 200, 280, 360। अब हमने बोला कि y इज इक्वल टू c प्लस s, सो s इज इक्वल टू y माइनस c। तो यहां पे हम सेविंग कैसे निकालेंगे, y माइनस c कैसे निकालेंगे बेटा, y माइनस c। अब वो क्या है देखिए, इनकम माइनस कंजम्पशन, तो 0 - 40 = -40, 100 - 120 = -20, 200 - 200 = 0, 300 - 280 = 20, 400 - 360 = 40। क्या इसमें किसी को डाउट है? नहीं, बड़ा सिंपल है। हमने टेबल किया था 100-100 से हमने इंक्रीज की थी इनकम, 80-80 से हमने इंक्रीज की थी कंजम्पशन। क्या इंक्रीज की थी? कंजम्पशन। और अब निकाला हमने सेविंग्स। क्लियर है? तो अब हम इस सेविंग के साथ क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ए एस शेड्यूल पे। किस पे जा रहे हैं? ए एस शेड्यूल पे। अब ये ए एस शेड्यूल क्या करता है, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने एस से ही सी निकाला, सी से ही एस निकाला है, तो सी प्लस एस करूंगा तो मेरे पास ए एस यही आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू इनकम, इक्वल टू इनकम। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, तो देखिए क्या कहता है, 0, 120 - 20, 100, यहां मैं लिख देता हूं आपको, देखिए 40 - 40 = 0, आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, 120 - 20 = 100। यहां पे हमारे पास समझिए प्लस का साइन है ना, क्या कर रहे हैं, सी प्लस एस, लेकिन वो माइनस है तो मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया। क्लियर है? उसके बाद कंजम्पशन प्लस सेविंग, 200 + 0 = 200। चलो जो बेसिक मैथ वाले उनको मैं बता देता हूं कि ये कैसे आया, आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे। देखिए मैं कर रहा हूं सी प्लस एस, सी की वैल्यू क्या है 40 + - 40, तो आ गया 0।
अभी आपको और इजी हो जाएगा। यहां पे क्या है, 120 प्लस माइनस 20, 120 प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 100, 200 प्लस 0 इज इक्वल टू 200, 280 प्लस 20 इज इक्वल टू 300, 360 प्लस 40 इज इक्वल टू 400। अब आप यहां पे देखेंगे बेटा के क्योंकि एस जो है वो इनकम में से निकला है, कंजम्पशन भी इनकम में से निकला, तो सी प्लस एस यानी कि ए एस जो है वो इनकम के बराबर आएगा। तो यहां पे हम दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं कि ए एस इज इक्वल टू इनकम, क्योंकि कंजम्पशन प्लस सेविंग को मिलाकर हमारा क्या बना बेटे, इनकम। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा स्केड्यूल क्या करता है। ये स्केड्यूल ने हमें बताया कि हमारी एक कांस्टेंट रेट में इनकम बढ़ रही है, तो हम टू सिंप्लीफाई आर एनालिसिस हम कहते हैं कि हमारा जो इनकम कर्व है, क्या है इनकम कर्व, या जो हमारा एएस का कर्व है, दैट एक्ट्स एज अ लाइन ऑफ रेफरेंस। क्या है जी, हमारा लाइन ऑफ रेफरेंस है, और ये लाइन ऑफ रेफरेंस जो है इसको हम 45 डिग्री पे शो करते हैं। तो ये क्या है हमारा लाइन ऑफ रेफरेंस। अब ये लाइन ऑफ रेफरेंस क्या है, एक बात समझिए कि ये हमारा एक्चुअल एएस नहीं है, लेकिन टू सिंप्लीफाई आर एनालिसिस। अब वो एनालिसिस क्यों है, क्योंकि जब हम प्लस टू लेवल की बात कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन मॉडल्स हैं, इसकी इनिशियल थ्योरी क्या एडी और एएस के शॉर्ट रन मॉडल्स हैं, तो हम बहुत सारी अजम्पशंस के साथ काम कर रहे हैं। जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या है कांस्टेंट, तो इन अजम्पशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमारा सी और एस दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, जो कि हम कहते हैं रियल लाइफ में जरूरी नहीं है ऐसा हो। क्लियर ना, हम देख रहे हैं कि हमारी जो इनकम है वो 100-100 से बढ़ रही है, क्या हमेशा आपकी इनकम 100-100 से बढ़ेगी, नो। क्या आपकी कंजम्पशन हमेशा 80% ऑफ आपकी इनकम रहेगी, नो, ऐसा नहीं होगा ना, किसी की ज्यादा किसी की कम, किसी की कभी ज्यादा किसी की कभी कम, राइट। तो इन अजम्पशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम रियल एएस नहीं लेते हैं, हम इसको 45 डिग्री पे बढ़ाते हैं, विच इज कॉल्ड लाइन ऑफ रेफरेंस। अब ये लाइन ऑफ रेफरेंस क्या करता है कि आप किसी भी पॉइंट ऑन एएस से अगर आप एक वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनाएंगे तो ये क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट। ये क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर आप यहां पर बनाएंगे तो दीज वुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये इजी करता है, सिंप्लीफाई करता है हमारे एनालिसिस को, ताकि हम ये जान पाए कि हमारा जो एडी और आउटपुट है वो इक्वल आ रहे हैं। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बात करी कि हमारे पास एएस कर्व क्या है, हमारे पास इसका बिहेवियर क्या है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये लीनियर है, ये 45 डिग्री पे लिया जाता है, जिसको हम लाइन ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और इसका यही सिग्निफिकेंस है कि हमें ये हेल्प करता है अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने में, अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने में, ताकि हम एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम को जान सके, हमें पता लगे कि इक्विडिस्टेंट है, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है। अब हमने बात की थी सेविंग की इक्वेशन की, किसकी बात की थी जी, सेविंग की इक्वेशन की, उसमें हमने पढ़ा था माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। क्या पढ़ा था जी, माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। अब हम कह रहे हैं कि यहां पे सी बार हमें मालूम है क्या है, एस पता है, वाई पता है, हम कह रहे हैं वन माइनस बी क्या है, वन माइनस बी है यहां पे बेटा एमपीएस, इसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था एमपीसी, हमने सी में क्या पढ़ा था एमपीसी, तो एमपीसी था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब हम कह रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर है, ये क्या है, मैं आपको फिर यही बात बताऊंगा, जैसे एमपीसी इज परसेंटेज ऑफ योर इनकम कंज्यूम, एमपीएस इज परसेंटेज ऑफ योर इनकम विच इज सेव्ड, और जिस तरीके से एमपीसी कर्व की स्लोप बताता है कंजम्पशन कर्व की, उसी तरीके से एमपीएस जो है इट इज द स्लोप ऑफ सेविंग्स, स्लोप ऑफ सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई में से हम कंजम्पशन का पार्ट पढ़ चुके हैं,
और डिमांड में से भी अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेविंग्स की, तो स्लोप ऑफ सेविंग्स है, क्या है जी, सेविंग्स। अब हमने जब अपने स्केड्यूल में देखा कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी -40 सेविंग्स थी, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो सेविंग कर्व है, कर्व है वो माइनस से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, माइनस से, तो इसका मतलब हमारा कर्व जाएगा इस तरीके से, और हम इस एरिया को बोलेंगे डिस सेविंग्स, क्या बोलेंगे, डिस सेविंग्स, और इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सेविंग्स, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सेविंग्स। अब अपने स्केड्यूल में वापस जाइए, हमने उसमें क्या देखा कि जहां पर भी हमारी इनकम और हमारी कंजम्पशन, हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर है, इसका मतलब y इज इक्वल टू c, या हम बोलेंगे y माइनस c इज इक्वल टू जीरो, तो ये कहलाता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारी सेविंग्स जीरो है, क्या है जी, जीरो। मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पे y इज इक्वल टू c है या y माइनस c इज इक्वल टू जीरो है, वो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब हमारी सेविंग्स जीरो है। यहां पर आती है हमारी माइनस सेविंग्स और यहां पर आती है हमारी पॉजिटिव सेविंग्स, यहां पे क्या आती है, पॉजिटिव सेविंग्स। तो अब बात समझिए, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया y इज इक्वल टू c प्लस s, y इज इक्वल टू c प्लस s, तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे चेंज इन इनकम होगी वैसे ही हमारी चेंज इन कंजम्पशन और सेविंग होगी। तो जब हमने चेंज इन इनकम कॉन्स्टेंट लिया है, जब हमने चेंज इन सेविंग्स कॉन्स्टेंट लिया है, तो हमारा चेंज इन कंजम्पशन और सॉरी चेंज इन कंजम्पशन कॉन्स्टेंट लिया है, तो चेंज इन सेविंग्स भी कॉन्स्टेंट होंगी, क्या होंगी, कॉन्स्टेंट होगी। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो एमपीएस है वो क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व, क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व। तो अब हम देखेंगे कि अगर 0.4 हमारी एमपीसी गिवन है, तो इसका मतलब हमने पढ़ा था 40% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड, 40% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 40% कंज्यूम हो गई तो 60% सेव हो गई ना, तो इसका मतलब हमारे पास एमपीएस की वैल्यू क्या आई, हमारे पास एमपीएस आया 0.6, बिकॉज इफ 40% इज कंज्यूम्ड इट मींस 60% इज सेव्ड, 60% इज सेव्ड, तो इसका मतलब एमपीएस की वैल्यू आई 0.6। तो हम क्या बोलेंगे कि एमपीएस की जो वैल्यू है, जैसे एमपीसी की वैल्यू लाए करती है किसके बीच में, वो लाए करती है 0 to 1 के बीच में, उसी प्रकार जो एमपीएस है उसकी वैल्यू भी लाए करेगी 0 to 1 के बीच में, किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, मैं रिपीट कर रहा हूं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब इसको देखते हैं कैसे, देखिए अब इस डेरिवेशन को हम प्रूव करेंगे कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। पहले हमने करा था कि सी में से हम कैसे सेविंग कर्व को निकाल रहे हैं, तो हमारे पास अब डेरिवेशन क्या है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो हम स्टार्ट करेंगे वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब इसके लिए समझो कि हम पहले फॉर्मूलाज देखते हैं क्या है, जैसे हमने एमपीसी समझा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, हम एमपीएस समझते हैं चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। याद रखिएगा मैंने बताया था यहां पे मार्जिनल का मतलब है फॉर एवरी एडिशनल, तो अगर मैं कह रहा हूं कि हर एडिशनल इनकम के साथ मेरी इतनी कंजम्पशन है, तो हर एडिशनल इनकम के साथ मेरी इतनी सेविंग्स होंगी, क्या होंगी, सेविंग्स। ये इसका फॉर्मूला है, तो सॉल्व करते हैं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, इट मींस चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी इनकम जो है वो 100 से चेंज हुई, तो मेरी जो कंजम्पशन प्लस सेविंग है उसमें जो चेंज आएगा उसका टोटल भी 100 होगा, तो इसका मतलब चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन वाई। तो जब मैंने चेंज किया वाई को, तो सी और एस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही चेंज होंगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स
बाय चेंज इन वाई। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय चेंज इन वाई। तो अभी क्या आएगी मेरे पास इक्वेशन, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। चेंज इन वाई से चेंज इन वाई कट गया, तो क्या है मेरे पास, वन इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, किसका फॉर्मूला है, एमपीसी का। चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई किसका फॉर्मूला है, एमपीएस का। तो हेंस प्रूव्ड, हमने क्या देखा के एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वन, ये हमने यहां पे प्रूव किया। क्लियर है, बहुत इजी डेरिवेशन है, क्लियर है। अब हम यहां पे एक और चीज देखते हैं, हमने अर्लियर पढ़ा था कि एमपीसी इज इक्वल टू बी, देखिए मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ये है हमारा एमपीसी। और अब हम क्या प्रूव करने वाले हैं, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब यहां पे एमपीएस क्या है, कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी है, तो सेविंग फंक्शन में एमपीएस चाहिए ना, तो एमपीएस क्या है, ये है हमारा एमपीएस। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं, हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव एमपीएस इज इक्वल टू वन माइनस बी, एमपीएस इज इक्वल टू वन माइनस बी। अब वो कैसे प्रूव होगा, देखो हम लिख रहे हैं वन इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस, बी क्या, एमपीसी क्या है, बी, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या गया, वन इज इक्वल टू बी प्लस एमपीएस, तो एमपीएस ये रहेगा वन, बी जो है वो यहां वन से माइनस होगा, सो एमपीएस इज इक्वल टू वन माइनस बी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर जी, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल कि हमने कैसे डिराइव करा, कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन, इनकम से सेविंग, उसका स्केड्यूल क्या था, उसका बिहेवियर क्या है, उसका डायग्राम क्या रहेगा, और उसके बाद एमपीसी और एमपीएस का क्या रिलेशन है, इनकम कंजम्पशन और सेविंग का, और उनके चेंजेस का क्या बिहेवियर है, हम कैसे प्रूव करते हैं एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू वन, और कैसे प्रूव करते हैं कि एमपीएस इज इक्वल टू वन माइनस बी, क्या प्रूव करते हैं, एमपीएस इज इक्वल टू वन माइनस बी। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, लाइक आर वीडियो, शेयर आर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।